माइक्रेम आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक पेन होल्डर लेके आई हूँ। एक्चुअली मैंने 2-3 पेन होल्डर डाले हैं, लेकिन मैंने सोचा आज फिर से एक पेन होल्डर आपको सिखाऊं। और ये इसकी खासियत ये है कि ये वेस्टेज से बनेगा। वेस्टेज मतलब जो हम वॉल पीस बना के जो वेस्टेज बचता है उससे नहीं। कभी कभी हम एक बंडल यूज़ करते हैं, उसमें से थोड़ा 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर ऐसे कुछ बच जाता है कॉर्ड। ऐसे हमारे बहुत से बंडल से कॉर्ड हमें मिल जाते हैं, तो हम उस तरह के बचे हुए कॉर्ड से ये पेन होल्डर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, हमें पेन होल्डर बनाने के लिए चाहिए 2 रिंग। ये हमारी 2 इंच की रिंग है, ऐसे हमें 2 रिंग चाहिए। और मैंने यहाँ कलर कलर के माइक्रेम लिया है। आपके पास जो भी बचे हुए माइक्रेम हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इतने कलर थे जो बच गए थे, तो मैंने इसे यूज़ किया है। और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिंग लेंगे 2 इंच की, और इसमें हम एक कॉर्ड लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्ड 1.5 मीटर लिया है। 1.5 मीटर की ये हमारी कॉर्ड है, सारे कॉर्ड। तो हम इस तरह से कॉर्ड लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारे कॉर्ड लगा लेंगे। मैंने यहाँ एक एक कलर के 2-2 कॉर्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप चाहे तो सिंगल कलर भी यूज कर सकते हैं, और सिंगल कॉर्ड भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कलर कलर के। सारे कॉर्ड इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें कॉर्ड डाल लिए हैं सभी। ये टोटल हमारे कॉर्ड 20 है, और यहाँ पे मैंने 10 कलर यूज़ किए हैं और टोटल कॉर्ड 20 है। और हर एक कलर के मैंने यहाँ पे 2-2 कॉर्ड यूज़ किए हैं। अब हम यहाँ से सिंपल नॉट स्टार्ट करेंगे। राउंड हमने सिंपल नॉट लगा लिए हैं। अब कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारी 4 कॉर्ड हैं, इसमें से मैं ये वाला कॉर्ड लूँगी इस तरह से, और इसे इसके ऊपर से इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए आगे चलूंगी। अब ये जो सेकंड वाला है इसे भी हम इसी तरह से लेंगे।
अब यहाँ से भी सेम उसी तरह से ये वाला कॉर्ड जो है हम इस तरह से लेंगे। इसे ही कंटिन्यू हम इस तरह से करेंगे। अब ये लास्ट वाला कॉर्ड कंप्लीट कर लिया है। अब जो है आपको जितनी हाइट चाहिए वहाँ तक ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पेन होल्डर बना रही हूँ तो पेन होल्डर की हाइट ज़्यादा नहीं रहती है, तो मैंने यहाँ तक हाइट इसकी बनाई है। और देखिए अब यहाँ से इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। ये जो कॉर्ड हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया था तो ये कॉर्ड अभी इस तरह से इसके ऊपर आएंगे। इस कॉर्ड को इसके ऊपर इस तरह से रख के
अब देखिए हमें इसकी हाइट हमने यहाँ तक रखी है, तो अब जो हम ये कॉर्ड लाए हैं यहाँ से, ये दो, ये जो नॉट है इसके दो कॉर्ड है, ये जो आए हैं इसे हमने लाकर यहाँ पे एंड कर दिया। ये इसकी हाइट है, तो सेकेंड जो हम दो कॉर्ड डिज़ाइन बनाएंगे वो यहाँ तक ऐड करेंगे, उसके बाद में फिर जो डिज़ाइन आएगी वो यहाँ पे एंड होगी, फिर जो डिज़ाइन आएगी वो पिंक पर एंड होगी। इस तरह से हमें ये पूरा यहाँ से राउंड सर्कल बना लेना है। तो देखिए मैं भी अभी यहाँ पे सेकेंड वाला राउंड में यहीं पे एंड कर दूंगी। देखिए यहाँ पे फिर हम एक नॉट लगा लेंगे बाद में, तो ये लेवल हो जाएगा। इसी तरह से सारे कॉर्ड हमें यहाँ पे लाके एक एक स्टेप छोड़ देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। पेन होल्डर की हाइट कम होती है इसलिए मैंने इसकी हाइट कम रखी है, और मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये नॉट लाके मैंने ग्रीन पर एंड किए हैं, तो दूसरा मैंने यहाँ पे क्रीम पर एंड किया, उसके बाद मैंने पिंक पर एंड किया, इस तरह से मैंने ये एंड किया है, तो ये सब एक लेवल हो जाएगा। तो उसके बाद में ये जो गैप होता है वहाँ पे चार कॉर्ड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल नॉट लगा दिया। देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ चार कॉर्ड होते सभी, मतलब ये जो जितने भी कोने हैं वहाँ पे चार चार कॉर्ड होते हैं, तो हम देखिए इस तरह से सिंपल नॉट लगाते हुए जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा ये सिंपल नॉट लगा लिया है। अब जो है हम इसमें रिंग डालेंगे इसके अंदर। ठीक सेंटर में रिंग डालेंगे। अब हम एक एक कॉर्ड लेके इसके ऊपर रैप कर लेंगे। लगा ली है। अब जो है हम यहाँ नीचे से इसे एंड करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पाइपिंग करनी होगी। तो सबसे लंबा कॉर्ड जो है वो हम लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड लिया, आप कोई भी यहाँ पे कॉर्ड ले सकते हैं इनमें से, और उसके आगे वाला जो कॉर्ड है उसे लेके यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग करेंगे। रैंडमली कॉर्ड लेके करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि सारे कॉर्ड इसमें डालने हैं। Oh,
हमें ये पूरी पाइपिंग करनी है। तो इस तरह से ये हमने पाइपिंग पूरी कर ली है। अब हम ये बचे हुए कॉर्ड को कट कर लेंगे। इसे हल्के से प्रेस करके अंदर डाल देंगे। तो ये रिंग लेवल हो गई, जमीन लेवल। इस तरह से जो पाइपिंग था वो सब हमने अंदर डाल दिया है। इस तरह से ये पेन होल्डर बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पेन होल्डर। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये जो मेरा वीडियो है, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूले। और कुछ आपको मुझसे कहना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं जल्दी लौटूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।